धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में उन अवसरों का वर्णन किया गया है जब जी उठे यीशु प्रेरितों को, मेरी मैग्दलीन को और अन्य शिष्य को दिखाई दिए। यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने के निशान को देख के उन लोगों के दिलों में खुशी और आशा भर गई। इनमें से एक अवसर पर प्रेरित थॉमस गायब था। अन्य जिन्होंने प्रभु को देखा था उन्हें इस अद्भुत अनुभव के बारे में बताया, शायद इसलिए कि वे उसी आनंद को उसके पास भेजना चाहते थे। हालांकि थॉमस दूसरों की गवाही को स्वीकार नहीं कर सके, वे यीशु को खुद देखना और छूना चाहता था। और कुछ ही दिनों बाद ऐसा ही हुआ। थॉमस के मौजूद होने पर यीशु फिर से चेलों के एक समूह के पास आया। थॉमस ने अपने विश्वास की घोषणा की। जी उठे यीशु से संबंधित उसका वचन, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु। यीशु ने उसे उत्तर दिया, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यह सुसमाचार यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के चश्मदीद गवाहों के बाद लिखा गया था। बाद की पीढ़ियों को सुसमाचार संदेश का प्रसारण उन लोगों की गवाही पर आधारित था जिन्होंने अपनी बारी में उद्घोषणा प्राप्त की थी। इसमें चर्च की शुरुआत निहित है। परमेश्वर के लोग जो यीशु के संदेश को ईमानदारी से प्रसारित करने और उसके शब्द को जीने के द्वारा घोषित करना जारी रखते हैं, हम भी दूसरों के शब्दों और गवाह के माध्यम से यीशु, सुसमाचार और ईसाई धर्म से मिले हैं और हमने विश्वास किया है, इस कारण हम धन्य हैं। धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। इन शब्दों को जीने के लिए वोकुलारी के संस्थापक क्यारा लुबिक द्वारा लिखे गए एक अंश को याद करने में सहायक है। वह हम में पुष्टि करना चाहता है, चाहे हम उस समय में जिए हो ना हो, पर हम सब उस वास्तविकता के भागीदार हैं। यीशु हमें बताना चाहते हैं कि हम उन लोगों की तुलना में नुकसान में नहीं हैं जिन्होंने वास्तव में उसे देखा था। तथ्य यह है कि हम विश्वास है और यह यीशु को देखने का नया तरीका है। विश्वास के साथ हम उससे संपर्क कर सकते हैं, उसे समझो और हमारे दिलों की गहराइयों में उससे मिलो। विश्वास के साथ हम उसे खोज सकते हैं और जब दो या अधिक लोग चर्च में या उसके नाम पर एकजुट होते हैं, यीशु के ये शब्द हमारे विश्वास को पुनर्जीवन करने के लिए एक आमंत्रण है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में समर्थन या प्रगति के संकेतों की प्रतीक्षा नहीं करना और हमारे जीवन और इतिहास में मसीह की उपस्थिति पर संदेह करना नहीं है, भले ही परमेश्वर हमसे बहुत दूर दिख रहा हो। वह चाहता है कि हम उससे प्यार पर विश्वास करें। भले ही हम खुद को मुश्किल परिस्थितियों में पाए और अगर असंभव हालात हमारे ऊपर हावी हो, एनी एक युवा ऑस्ट्रेलियाई महिला है जो एक गंभीर विकलांगता के साथ पैदा हुई थी। वह कहती है, मेरी किशोर अवस्था के दौरान मुझे आश्चर्य होता था कि मैं अभी तक जीवित क्यों थी, क्योंकि मेरी विकलांगता का बोझ इतना बड़ा था। मेरे माता पिता, जो जीवन के शब्द को जीते हैं, ने हमेशा मुझसे एक ही जवाब दिया, एनी, ईश्वर आपको बेहद प्यार करता है और आपके लिए एक विशेष योजना है। उन्होंने मुझे प्यार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसा कि ईश्वर ने हमारे साथ किया था। मैंने देखा है कि मेरे आसपास की कई परिस्थितियां बदल गई है
लोग मेरे प्रति और दूसरों के प्रति अलग अधिक खुले हुए हैं। मेरे पिता ने मुझे एक व्यक्तिगत संदेश दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इनकी मृत्यु के बाद मुझे खुलना है। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मेरी रात का कोई अंधेरा नहीं। यह मेरा दैनिक अनुभव है। हर बार जब मैं अपने आसपास के लोगों से प्यार करता और उनकी सेवा करना चाहता हूँ तो अधिक अंधेरा नहीं होता है और मैं उस प्यार का अनुभव कर सकता हूँ जो परमेश्वर में मेरे लिए है।